ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 25 कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्लोक क्रमांक 14। शिला वर्ष अतिवातेन हन्यमानम् अचेतनम् निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपिता इन्द्र कृतम् हरिः। शिलावर्षातिवातेन हन्यमानमचेतनम् निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्र कृतम् हरिः। शिलावर्षातिवातेन हन्यमानम् अचेतनम् निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्र कृतम् हरिः। शिलावर्षातिवातेन हन्यमानमचेतनम् निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपितेन्द्र कृतम् हरिः। माताएं शिला ओलों की ओलों ओलों शिला वर्षा वर्षा द्वारा अतिवातेन तथा तेज हवा द्वारा हन्यमानम् प्रताड़ित। अचेतनम् अचेत निरीक्ष्य देखकर भगवान् भगवान् मैंने विचार किया कुपिता क्रुद्ध इंद्र इंद्र द्वारा कृतम् किया गया हरि ही हरि ने। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श
शिल प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। ओलों तथा तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए जैसे गोकुलवासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि यह कुपित इंद्र की करतूत है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इंद्र ने वृंदावन वासियों पर जो कहर ढाया वह भगवान कृष्ण तथा ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा नियोजित था। भूखे व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए आचार्य कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उस सुख में वृद्धि होती है जो उसे उत्तम भोजन खाने पर मिलता है। इस तरह भूख से भोजन करने का आनंद बढ़ जाता है। इसी प्रकार वृंदावन वासियों को यद्यपि सामान्य भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा था किंतु इंद्र के कार्यों से आंतरिक पीड़ा पहुंच रही थी जिससे कृष्ण के ध्यान में तीव्रता बढ़ी। और जब भगवान ने कर दिखाया तो परिणाम अद्भुत निकला। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्विन्धं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्वेतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिलावर्षातिवातेन हन्यमानमचेतनं निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः। शिला की वर्षा यानी ओलों की वर्षा और बहुत तेज हवा जो साथ में बह रही थी, हन्यमानम अचेतनम उसके प्रहार से मानो जैसे गोकुलवासी सब अचेत हो गए हो। निरीक्ष्य देखकर भगवान मेने भगवान ने जान लिया कि ये इंद्र कुपित हो गया है और उसकी ये करतूत है। तो ये जो पूरी गोवर्धन लीला है ये अभक्तों के लिए बड़ी विस्मयकारी है। एक बड़ा प्रश्न सबके मन में रहता है कि सब बहुत ही जगत में सुखी रहने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और एक वर्ग है भक्त जो भगवान के पास जाते हैं, उनका वो तरीका है सुख मांगने का, ऐसा सोचते हैं अभक्त लोग। ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं और ये जो भक्त हैं ये भी एक प्रकार का प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जगत में सुखी रहने का। तो इसलिए जब वो देखते हैं कि भक्तों के जीवन में दुख आता है तो उनकी समझ में नहीं आता कि ये लोग कितने मूर्ख हैं कि इनके जीवन में दुख आ रहे हैं फिर भी ये लोग उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं। बड़ी पहेली रहती है लोगों के जीवन में। इसलिए चैतन्य चैतान्य में लिखा है, यान्र चित्ते कृष्ण प्रेम कर या उदय तान्र वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेय न भुजय। जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है, यान्र चित्ते कृष्ण प्रेम कर या उदय, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, तान्र वाक्य उनके वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेय न भुजय। विज्ञ मतलब बहुत बुद्धिमान या भौतिक दृष्टि से बुद्धिमान और पंडित भी ऐसे भक्तों के वाक्यों को क्रियाओं को मुद्राओं को नहीं समझ सकते हैं। सामान्य रूप से जो पंडित हैं
वो अगर कुछ आध्यात्मिक रुझान रखते भी हैं, सोचते भी हैं अपने मन से विचार कर करके कि क्या है सत्य, तो सामान्यतया वो उनके जो समझ होती है वो ऐसी आती है कि अंततः ये सब जगत तो सब मिथ्या बेकार है और अंत में एक जो सत्य हो है वो इस सबसे बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। इस बहुत ही जगत में बहुत वैचित्र्य है, इसमें सब लोग क्रियाएं कर रहे हैं और क्रिया करने से उनको दुख मिल रहा है, तो आध्यात्मिक जगत ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी, जहाँ पर कोई संबंध नहीं होंगे, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि सब संबंध अंततः कष्ट का कारण बनते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक बिल्कुल भौतिक से उल्टा होना चाहिए। ऐसे वो तर्क शक्ति से प्रयास करते हैं सत्य को समझने का, इसलिए सामान्य रूप से वो निर्विशेषवादी बनते हैं। तो निर्विशेषवादियों के लिए जो बड़े पंडित होते हैं एक तरीके से, बहुत उनके साक्षात्कार हैं, कम से कम वो ये तो समझे हैं कि भौतिक जगत में सुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए एक दृष्टि से उन्नत हैं उनकी चेतना। तो वो लोग भी जब भक्तों के वाक्य क्रिया मुद्रा को देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो प्रेम व्यापार है वो वैसे ही प्रतीत होता है जैसे इस भौतिक जगत में दो व्यक्तियों के बीच का संबंध, और बाह्य दृष्टि से उसमें भी उसी प्रकार से शोक मोह ये सब प्रतीत होता है। तो इसलिए बहुत से लोग तो भगवान की जो ये लीलाएं हैं उसको सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसी हम देख रहे हैं, सामान्य प्रतीत होती हैं। अभी जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो भगवान के कितने अनन्य भक्त थे ये लोग, गोपी जन ब्रजवासी सारा दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, खाते पीते सोते हमेशा केवल कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण के लिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और अभी उनके साथ इतना उनको कष्ट अनुभव करना पड़ रहा है। तो सामान्य रूप से दिमाग में वो जो लोग हैं जो तर्क शक्ति से समझने का प्रयास करते हैं उनके दिमाग में ये आता है ये फिर कैसे भगवान है कि ये कष्ट आया ही क्यों उनके ऊपर, कैसे ये संभव हुआ, वो तो सुप्रीम कंट्रोलर है ना, परम नियंता है। तो फिर बस सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंता हैं, अगर वो भगवान हैं तो बस कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए, और जो भी गोप गोपियों को जो चाहिए वो सब उनको तुरंत मिल जाना चाहिए, अगर वो भगवान हैं तो उनकी सब इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो उनकी तो कभी इच्छा नहीं थी कि ऐसे इंद्र जो है वो उनको परेशान करे, तो कैसे संभव है, ये एक नित्य प्रश्न है संसार में, ये आज का प्रश्न नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। और जो भी धार्मिक धर्मावलंबी हैं उनके ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि आप भगवान 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 करते हो और भगवान के जीवन में भगवान के भक्तों के जीवन में भी तो इतने कष्ट आते हैं, वो भी तो मरते हैं, वो भी तो बूढ़े होते हैं, वो बीमार होते हैं, और केवल इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे परेशानियों से गुजरते हैं, तो फिर कैसे, या तो भगवान नहीं है, हरे कृष्ण, या तो भगवान नहीं है या तो बड़े अजीब हैं आपके भगवान, भक्तों के कष्ट हरने वाले, ऐसे आप प्रार्थना करते रहते हैं और वो कष्ट कहाँ हरते हैं, कष्ट तो सब उनको आते रहते हैं, नित्य प्रश्न है। तो कैसे उन लोगों की समझ में ये लीलाएं आएंगी, कैसे ये लीलाएं आएंगी जिसमें भगवान इस प्रकार से, भगवान के बिल्कुल अंतरंग भक्त हैं, भगवान उन्हीं के साथ रह रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, साथ में ही ब्रज में ही रह रहे हैं, और उनके ऊपर इतने सारे कष्ट आ रहे हैं। इसलिए ये बड़ी पहली है सब, क्योंकि ये प्रेम व्यवहार है ना, इसलिए इसको जिनके अंदर प्रेम की जगह काम है वो कैसे इसको समझ पाएंगे। इसलिए जो श्लोक है बड़ा सटीक श्लोक है, यानरा चित्ते कृष्ण प्रेम करय उदय तानरा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना भुजाय। तो इसको प्रेम को समझने के लिए प्रेम पहले प्रेम प्रेम व्यवहार को समझने के लिए प्रेम किसे कहते हैं वो समझना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कैसे समझेंगे प्रेम व्यवहार को। जैसे एक मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है और एक छोटा बालक है और वो छोटे बालक को पीट रहा है, मार रहा है, अचानक आपने बस ये दृश्य देखा,
एक व्यक्ति है, एक छोटा बालक है और वो उसको मार रहा है। तो अभी केवल इतना देखने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। हो सकता है ये बड़ा कोई बड़ा गुंडा है और पागल है, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हैं। छोटे से बच्चे को, बेचारे को मार रहा है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये उसका पिता है, ये बच्चा है, अगर ये पॉसिबिलिटी, अगर ये वास्तविकता है, तो आप उस क्रिया को समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये इसका पिता है, अच्छा ये बच्चा, आ जा ठीक 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 समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि इवन ये बात भी समझ में नहीं आती लोगों को कि पिता बच्चे को मार रहा है, कैसे बच्चे को मार सकता है। पाश्चात्य सभ्यता में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये समझना ही मुश्किल है। उनके लिए बच्चे को पिता मार रहा है तो इसका मतलब वो उसका द्वेषी ही होगा, ऐसा वो सोचते हैं। क्योंकि बहुत समय से, पिछले लगभग 60-70 साल से, जो पाश्चात्य जगत में जिस प्रकार की सिविलाइजेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि पिता का बच्चे के प्रति कोई प्रेम होता ही नहीं है, बहुत कम होता जा रहा है वो। और इसलिए प्रेम से भी कोई पिता बच्चे को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए उसको प्रताड़ित कर सकता है, ये कंसेप्ट ही पाश्चात्य जगत में ख़त्म होता जा रहा है। इवन मैं कभी, मेरे को ईमेल आया एक भक्त का, चेक रिपब्लिक से, एक कम्युनिटी है वहाँ पर भक्तों की, तो वहाँ पर एक भक्त ज्वाइन किए, तो उनके बच्चे हैं छोटे, तो अगर उनके बच्चे को कोई गोदी में लेता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको डर लगने लगता है, उनको दिमाग में कैसे क्या हो गया। क्योंकि आज पाश्चात्य जगत में सेक्सुअल मिसकंडक्ट इतना है कि ज़्यादातर कोई भी अगर बच्चे को स्पर्श करेगा तो बहुत चांस है कि वो लोग उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए टच कर रहे हैं। पाश्चात्य जगत में भी कोई दो लड़के आपस में हाथ पकड़ करके चल रहे हैं तो मतलब वो होमोसेक्सुअल हैं, ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए ऐसी विकृत सभ्यता से या जीवन शैली से यदि कोई व्यक्ति आएगा, और नॉर्मल जीवन शैली जहाँ है कि जहाँ दो लड़के आपस में मित्र होते हैं, वो होमोसेक्सुअल नहीं है पर वो मित्र हैं और वो कंधे पे कंधे हाथ रख सकते हैं, तो उनको देख करके लगेगा ये बड़े अजीब लोग हैं। करेक्ट। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि उनकी जो पूरी जीवन शैली है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए वो दूसरी जीवन शैली के लोगों की बातों को, क्रियाओं को समझ ही नहीं सकते उनको। तो इतना बदलाव हो सकता है जीवन शैली के परिवर्तन होने मात्र से। तो आप सोचिए, कृष्ण की जो, कृष्ण और शुद्ध भक्तों की क्रियाएं, जब हम जैसे बद्ध जीव और उसमें भी वर्तमान समय के विकृत और अधिक विकृत जीव जब उसको समझने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे श्री प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि इस जगत में जो भी हैं, हम सभी लोग जो आए हैं, हम सबको बुखार है 100 डिग्री, लेकिन आधुनिकता क्या कर रही है, उस बुखार को और 4 डिग्री बढ़ा रही है, और बढ़ा रही है उसको। तो विकृत सब हैं, अब उसमें और अधिक विकृत हम हो रहे हैं। आज एक स्त्री पुरुष का जो एक स्त्री पुरुष का जो वैवाहिक संबंध होता है वो एक बहुत ही, एक उसको समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। स्त्री पुरुष साथ में कई पति पत्नी की तरह से शांति से रह सकते हैं, ये भी आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। कैसे संभव है कोई स्त्री पुरुष पति पत्नी की तरह से रह सकते हैं? इसलिए हर साल एनिवर्सरी मनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक साल और हम साथ में रह पाए। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसा कोई एनिवर्सरी मनाते नहीं थे, क्योंकि ये तो सभी लोग रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आजीवन रहते हैं। लेकिन आजकल ये बड़ी बात है। तो जस्ट ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें बदल सकती हैं। सही अज्ञानता से कहाँ चीज़ें हो सकती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जगत है, जो वास्तविकता है, जो हम सब भी वहीं पर थे, वो आज हमारे लिए अचिंत्य हो गया है, अकल्पनीय हो गया है। ये कैसे संबंध है? तो भौतिक जगत में तो प्रेम, हमने प्रेम कब किया था किसी को,
किसी को मतलब भगवान कृष्ण को ही प्रेम होता है, भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को प्रेम नहीं होता है। भगवान कृष्ण को प्रेम करने के द्वारा फिर सबको प्रेम होता है, वो भी सही है। ऐसा नहीं कि केवल भगवान कृष्ण को प्रेम होता है बाकी सबसे द्वेष होता है, ये एक और बड़ी भूल धारणा है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं सब जीवों के ऊपर द्वेष करके, सब भक्तों को द्वेष, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। कृष्ण से प्रेम डेवलप करना है, कृष्ण से प्रेम डेवलप करना है और कृष्ण के भक्तों के प्रति द्वेष है, कितना अजीब कॉम्बिनेशन है ना। तो लेकिन ये सब संभव है विकृत मानसिकता की वजह से, विकृत मानसिकता की वजह से। तो हमने कब कृष्ण को प्रेम किया था? करोड़ों 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 साल हो चुके हैं, तब से अभी तक हमने केवल काम व्यवहार ही किया है इस जगत में, जब से कृष्ण को भूले हैं। तो इसलिए बहुत समय हो गया है, हमें याद भी नहीं है कि प्रेम क्या होता है, बिल्कुल भूल गए हम लोग। तो इसलिए जब प्रेम व्यवहार सुनते हैं, अगर उसके लिए प्रशिक्षित नहीं है, अगर उसके लिए हम उस पूरी कल्चर के प्रति ट्रेन नहीं है, और न केवल कल्चर बल्कि हृदय शुद्धि से यदि हम उसको समझने के लिए, कुछ हद तक समझने के लिए योग्य नहीं है, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादातर लोग जो आध्यात्मिक प्रगति करते भी हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करते भी हैं, लेकिन अगर वो भक्तों, उनके अंदर थोड़ा ही भक्ति भाव नहीं है, तो वो निराकार निर्विशेषवादी बन जाते हैं, ड्राई हार्ड हार्टेड। इतने ज़्यादा इस भौतिक जगत के संबंधों से, व्यक्तियों से, वैचित्र्य से ऊब चुके होते हैं कि उनको बड़ा इस जगत से, हर वैचित्र्य से इतनी घृणा हो जाती है कि उनके लिए आध्यात्मिक जगत है जिसमें निराकार निर्विशेष कोई संबंध नहीं, क्योंकि सब संबंध खराब है, उनका हृदय पूरा कठोर हो जाता है, बड़ा कठोर हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो भौतिक जगत है, ये प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। ऊर्ध्व शाखा अधम मूलम, ये जो भौतिक जगत है ऐसा है जैसे कि उल्टा पेड़, ऊर्ध्व शाखा अधम मूलम, ओ सॉरी ऊर्ध्व मूलम अध शाखा, उल्टा बोल रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अध शाखा, मूल जड़ ऊपर है और शाखा नीचे है, तो उल्टा है। तो इस भौतिक जगत में जो हमें संबंध हैं वो कड़वे हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जगत में संबंध बहुत मधुर है। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में प्रेम व्यवहार अत्यंत आनंद का कारण बनता है, और इसको चखने के लिए भगवान भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि ये मेरे भक्त मेरे से जो प्रेम करते हैं उससे उनको इतना आनंद मिलता है कि मुझे उतना आनंद नहीं मिलता है। इसको चखने के लिए भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो फिर हमें लगेगा अरे ये आनंद है, इतनी इतनी वृष्टि हो रही है, और यहाँ पर वर्णन है कि वो बहुत पीड़ित थे, ये सब वर्णन है ना, अत्यधिक वर्षा तथा हवा के कारण कांपती हुई गायें और अन्य पशु और शीत से पीड़ित ग्वाले, तो पीड़ित है ना, पीड़ित हैं, सुखी गायें पीड़ित हैं, आनंद गायें पीड़ित हैं। तो आचार्य इसलिए यहाँ पर इसको समझा रहे हैं कि प्रेम व्यवहार के अंतर्गत पीड़ा जो है वो उद्दीपन का कार्य करती है प्रेम वर्धन के लिए, प्रेम क्रिया को, प्रेम व्यापार को बढ़ाने का कार्य करती है पीड़ा। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम है जो प्रेम पात्र है उसकी प्रसन्नता में ही डूबे रहना, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा दी है कि क्या श्लोक है, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। जब किसी संबंध को तोड़ने के लिए सारे सारे तत्व उपस्थित हों और तब भी वो प्रेम टूटे नहीं, उसको प्रेम कहते हैं।
कोई संबंध को तोड़ने के लिए जो भी हम सोच सकते हैं, जो भी भौतिक दृष्टि संभव है, जो भी होना चाहिए तोड़ने के लिए, जो जिससे टूट जाना चाहिए संबंध, वो सब फैक्टर्स उपस्थित होने पर भी वो संबंध यदि नहीं टूटे तो इसका मतलब वो संबंध प्रेम संबंध है। हम देख सकते हैं जैसे लव मैरिज करते हैं और फिर तुरंत डाइवोर्स होता है, एक फैक्टर उपस्थित हुआ संबंध तोड़ने का, संबंध टूट जाता है। इसका मतलब वहाँ प्रेम नहीं था, वहाँ काम था। लेकिन ब्रजवासियों के जीवन में हम देखते हैं जैसे भी इतनी वर्षा हुई, इतना हुआ, इतना कुछ हुआ, तो ब्रजवासियों के मन में ऐसा नहीं आया कि भगवान ये हो कैसे गया, आप तो साथ ही थे, आप देख रहे थे, आपने होने कैसे दिया ये, है ना, ऐसा उनका प्रश्न नहीं आया मन में। अंततः भगवान ने उनकी रक्षा की, लेकिन वास्तव में ऑफकोर्स भगवान तो रक्षा करेंगे ही, करते ही हैं, लेकिन केवल रक्षा, केवल प्राणों की रक्षा करना, उसके भी आगे एक चीज है ना, जो हृदय को चाहिए वो है प्रेम। तो भगवान जो है अपने भक्तजनों का जो प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए ये सब व्यवस्था करते हैं। प्राण की रक्षा करना तो सामान्य चीज है, जैसे रूपा बोलते थे कि अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान कृपया हमें खाने को दो, तो भगवान को बड़ा बहुत दुख होता होगा कि इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें खाने को दूंगा, कि खाने को मांग रहे हो। ये कोई भगवान को प्रसन्न नहीं करता ये मांगना कि भगवान खाने को देना। कोई बच्चा जाए पिता का, पिताजी प्लीज़ खाने को दो ना, तो पिताजी को अच्छा लगेगा, पिता लगेगा कि अरे क्या तुम्हें खाने को नहीं दूंगा क्या, मैं तुम्हें इतना विश्वास नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ क्या। तो ये मांगना कि मुझे खाने को दो, ये बहुत दर्दनीय प्रार्थना है भगवान से, एक दृष्टि से, ऊपर की दृष्टि से। हाँ, कोई भगवान के पास आता ही नहीं है, कोई भगवान नहीं है, उससे तो मांगे चलो, तो इससे अच्छा है कम से कम खाने के लिए मांगने तो आ रहा है, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न नहीं करती ये प्रार्थना। तो भगवान जैसे कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती हैं, विपदा संतोष ताह शश्वत, सब विपदाएं जो हैं वो बार बार आएँ, तत्र तत्र जगत गुरु भवत दर्शन यत् स्यात् अदर्शन भव दर्शनम, कि भगवान ये दुख बार बार आए जिससे हम आपके प्रति, हमें आपका चिंतन और अधिक बढ़ जाए, और जिससे आपका चिंतन बढ़ने से फिर ये भव सागर मिट जाएगा और हमेशा हम आपके ही सेवा में रत हो जाएंगे। तो ऐसी प्रार्थना भगवान को अधिक प्रिय है। ये मुझसे क्या मांग रहे हैं, ये प्रेम मांग रहे हैं, ये मुझसे, ये मेरे नज़दीक आना चाहते हैं, ये मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हैं। और जो केवल खाना मांग रहा है तो वो तो भगवान के नज़दीक नहीं आना चाहता है, बस भगवान आप दूर रहना वहीं पे, मैं यहाँ हूँ, बस आप वहीं से सप्लाई करते रहना मेरे को, मैं अपने जगत में सुखी रहूँ, आप अपनी जगह सुखी रहो, संबंध नहीं स्थापित करना चाहता भगवान से, करेक्ट। तो इसलिए वो बहुत दूर है भगवान से, इसलिए वो भगवान को इतने प्रिय नहीं है। लेकिन जो ये प्रार्थना है कि भगवान आप हमें कष्ट दीजिए क्योंकि हम आपसे, आपके निकट आना चाहते हैं, हम आपका चिंतन करना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना बहुत उच्च प्रार्थना है। तो अगर ऐसे भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में कष्ट आएँ और भगवान कष्ट दें, तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, भगवान कितने हमारी कृपा कर रहे हैं, है ना। और भक्तों क्या लगेगा, बेचारे भक्त गलत जगह चले गए, जैसे वो कम्युनिस्ट जाते थे ना वहाँ, ब्रेड, ब्रेड मांग रहे हो, अरे हमारे पास आओ तुमको ब्रेड देंगे, ये भगवान तुमको क्या ब्रेड दिए, हम देंगे। और अगर कोई ऐसे ही लोग हैं जो भक्ति को अभी समझे नहीं हैं, तो उनको कोई ऐसे बोलेगा कि देखो तुम कृष्ण के पास गए, इतने सारे दुख आए, अभी बदल दो अपने भगवान, यहाँ जाके देखो साईं बाबा, यहाँ वहाँ देखो तुम्हारे सब दुख हो जाएंगे, तो वहाँ ट्राई करेगा और वहाँ उसका सब ठीक हो जाएगा, तो बोलेगा हाँ करेक्ट। तो भगवान ऐसा भी कर सकते हैं, भगवान जानते हैं कि ये कितना, इसके हृदय में क्या है, उसके अनुसार भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, जिसके हृदय में भगवान को नज़दीक आने की इच्छा नहीं है, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दूर जाए। लेकिन जो भगवान के नज़दीक जाना चाहते हैं, भगवान उनके लिए आयोजन करते हैं जिससे कि वो भगवान के अधिक से अधिक नज़दीक आए। अभी वो आयोजन जो है, कई बार हो सकता है
उन भक्तों की समझ में नहीं आए, क्योंकि भगवान के क्रियाकलाप बहुत विस्मयकारी होते हैं। क्योंकि इस भवबंधन से हमको निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। हम भक्त प्रार्थना तो कर लेते हैं, भगवान अभी हमें अपने धाम में बुलाओ, और फिर भगवान बोलते हैं अच्छा धाम में आना तो मैं ये करता हूँ, इससे तुम मेरे धाम में आओगे। मैंने ये नहीं करने का जैसे डॉक्टर के पास जाए इंजेक्शन दे करके, नहीं 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 इंजेक्शन नहीं देने का। अरे इलाज चाहते हो ना? हाँ इलाज चाहता हूँ, लेकिन इंजेक्शन नहीं चाहता। लेकिन इंजेक्शन ही इलाज है। तो ऐसे हम लोग करते हैं, भगवान अब हम आपके नज़दीक आना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है तो ऐसा करो, नहीं 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 ये नहीं करो। तो ऐसा भी होता है। तो कई बार भक्त जो हैं वो ये किसका उदाहरण है कि वो जो बोल रहे हैं उसमें वो गंभीर नहीं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, है ना। जैसे वो एक स्टोरी है ना, वो एक व्यक्ति नारायण नारायण कब आप मुझे बुलाएंगे, बस अभी मुझे आप अपने धाम में बुला लीजिए, हर दिन प्रार्थना करता था। तो नारद मुनि भगवान नारायण के पास गए, भगवान आप बुलाते क्यों नहीं है, बहुत समय से आपसे बोल रहा है बुला लो आप उसको बुलाते क्यों नहीं। भगवान अच्छा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी सुना नहीं कि वो मुझे बुला रहा है, मेरे तो कान में कभी आवाज़ नहीं गई। बोला अच्छा मैं तो सुनता हूँ, रोज़ बोलता है। अच्छा ऐसा है? नारायण भगवान बोले ठीक है तो जाके उसको बोलो आ जाए। तो हाँ बिल्कुल अभी जाता हूँ, अभी ले आता हूँ उसको। तो फिर वो वहाँ गया, बोला अरे मैं नारायण के पास से आ रहा हूँ, भगवान ने भी तुम्हारी सुन ली है, चलो। बोला कहाँ? नारायण के पास। क्या? तब उसको स्ट्राइक हुआ जब ये रियलिटी सामने आई कि अच्छा अभी यहाँ से जाना है। अच्छा तो अभी तक वो जो बोल रहा था वो समझ भी नहीं पा रहा था वो क्या बोल रहा है, केवल बोलने के लिए बोल रहा था। करेक्ट। तो हम बोलते हैं भगवान अभी बस आपके शरण में आना है, और जब समझ में आता है कि शरण में आने का मतलब क्या है तब भी दूर भागते हैं। नहीं 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 ये तो हम नहीं मांग, गलत सोच रहे थे हम लोग, हमें पता नहीं था कि मांगने का मतलब ये है, शरण में जाने का मतलब ये है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी है कि भक्त अगर गंभीर हैं और वो भगवान से मांग रहे हैं भगवान हमें आपके शरण में जाना है, तो भगवान उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुरंत उनको भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं टूटती है। वो समझते हैं कि भगवान कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान कुछ जो भी कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भक्त जो हैं वो उनके लिए वो श्लोक है, तत्तेनुकंपा स्वसमी क्षमान भुंजाने वात्मा कृतम विपातम हृदमाग मनोभिर विदधन नमस्ते जीवेत स मुक्ति पदे सदाय भाग। उन भक्तों के लिए श्लोक है। वो जो गंभीर भक्त हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट आते रहते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे कर्मफल हैं जो भगवान हमें दे रहे हैं, जिससे कि हम शुद्ध हो पाएँ और अंततः भगवान की तरफ हम और आगे बढ़ पाएँ। इसलिए वो हृदवाग वपुर भी वो अपने हृदय से वचन से मन से विदधन नमस्ते, वो भगवान को हमेशा नमस्कार ही करते रहते हैं, धन्यवाद ही देते रहते हैं, भगवान आप हमारे हितैषी हैं, आप जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, और हम पूरा हमें विश्वास है जो भी आप करेंगे हमारे हित के लिए होगा। इसलिए ऐसे भाव से वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवत धाम जाना ऐसा ही आसान हो जाता है जैसे पुत्र के लिए पिता की संपत्ति को प्राप्त करना। ऐसे भक्तों के लिए श्लोक है। और फिर ऐसे ही भक्त और भी उन्नत भक्तों में फिर यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनं शनैः शनैः, और ये उन्नत भक्तों की बात है यहाँ पर कि वो अभी कर्मफल नहीं है लेकिन भगवान खुद व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सी आसक्ति है तो उसको निकालने के लिए उनके वो आसक्ति हट जाए ऐसे आयोजन करते हैं, जिनसे उनकी आसक्ति जिस चीज़ से उस चीज़ को छीन लेते हैं, जिस चीज़ से वो जो उनकी आसक्ति थी वो उनको स्पष्ट हो जाए कि ये मेरी इससे आसक्ति थी। क्योंकि जब तक चीज़ छिनती नहीं है तब तक हमारी आसक्ति है वो हमें पता नहीं चलता है ना। कई बार होता है ना, हम लगते हैं हम बड़े शुद्ध भक्त हैं लेकिन परिस्थितियाँ बदल लगता है हम कितने शुद्ध हैं। तो ऐसे ही भगवान जब आसक्ति छीनते हैं तब हम पता लगता है कि ये हमारी आसक्ति है, और तब हम फिर धन्यवाद देते हैं भगवान को। जैसे बलि महाराज के संबंध में ऐसा हुआ कि उनको थोड़ा सा आसक्ति थी, मैं जगत का स्वामी हूँ जगत का स्वामी हूँ, लेकिन बहुत बहुत महान भक्त हैं बलि महाराज, लेकिन थोड़ा सा कहीं एक आसक्ति थी कि मैं जगत में एक स्वामी हूँ, लेकिन भगवान उनको खींचना चाहते थे।
तो इसलिए भगवान ने उनसे वो जो जगत का स्वामित्व है वो उनसे छीन लिया, और इस प्रकार से वो अभी उनके पास और कोई चारा नहीं रहा पूरी तरह से सब आसक्तियों को छोड़ के भगवान की शरण में आने का। तो भगवान ऐसा भी करते हैं। और ये जो व्रज लीला जो हो रही है वो तो अलग ही स्तर पे हो रही है, वो तो जो ये सब गोपगण हैं उनके मन में तो इस जगत के प्रति कोई आसक्ति है ही नहीं, उनकी तो केवल और केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण, उनके तो चित्त में और कुछ है ही नहीं। उनके साथ जो ये कार्य हो रहा है वो एक पूरे अलग से, वो शुद्ध करने के लिए नहीं हो रहा है, वो तो प्रेम व्यापार है। प्रेम में जो होता है वो ऐसा होता है, क्या है, वियोग संभोग, वियोग संभोग। जैसे हम भगवान और गोपियों की लीला में भी देखते हैं, भगवान कभी गोपियों के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, कभी अचानक गायब हो जाते हैं। और जब भगवान गायब होते हैं तो गोपी जन जो हैं वो भगवान से अत्यंत वियोग अनुभव करते हैं, वियोग में अत्यंत दुख अनुभव करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम यही गोपी भाव देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे यहाँ पर ये जगन्नाथ रथ यात्रा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो कैसे ऐसे और अत्यंत वियोग में अत्यंत कष्ट अनुभव करते हैं, वो समझना बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु वो कष्ट में रात्रि में वो जब वो वियोग की इस भावना को पूरी तरह से अनुभव करते थे तो वो दीवार पे अपने मुंह को रगड़ते थे और उनके मुंह पूरा लहूलुहान हो जाता था। तो ये चीज़ तो कौन समझेगा। एक है कि अरे वृष्टि हो गई और भगवान ने वृष्टि होने क्यों दी, एक है भक्त खुद अपने ऊपर कष्ट ले रहा है, नोच रहा है अपने को, तो ऐसा है कि तो पागल हो गए। तो इसलिए क्रिया मुद्रा विघ्नीय ना बुझाए, कैसे जानेंगे इसको, लोग सोचेंगे अरे भक्ति से ऐसा होता है, लोग तो पागल हो जाते हैं भक्ति से, ऐसा भी सोचते हैं पागल हो जाते हैं भक्ति से लोग, तो वास्तव में ऐसा ही है, पागल ही जाते हैं भक्ति से। लेकिन वो पागलपन होना ही हमारी संवैधानिक स्थिति है, नहीं तो आप माया के हाथ में पागल रहेंगे। तो इसलिए वो बहुत उच्च स्तर है। तो संभोग वियोग, तो भगवान के विरह में जो ये दुख की अनुभूति होती है वो दुख नहीं है, वो अत्यंत सुख है। इसलिए तोमार सेवाय दुख होय जत सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय अविद्या दुख। आचार्य क्या कहते हैं कि तोमार सेवाए, भगवान आपकी सेवा में दुख होय जतो, जितना भी दुख होता है सही तो परम सुख, ये तो परम सुख है। एक उन्नत भक्त ऐसा अनुभव करता है, आपकी सेवा में जो दुख है ना वो परम सुख है, क्योंकि तुम सेवा सुख दुख, सेवा का जो सुख है और दुख है परम संपद, वो सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ी संपदा है। आपकी सेवा में सुख हो के दुख हो वो सब परम संपदा है। क्यों, नाशाय अविद्या दुख, क्योंकि वो अविद्या के दुख को खत्म कर देता है। वास्तविक दुख तो अविद्या का दुख है, आपकी सेवा में जो दुख और सुख है वो सभी सुखी सुख है, केवल आनंद कुंड, भगवान की सेवा में केवल आनंद है। लेकिन उसको भक्त ही समझ सकते हैं, भक्त ही उसको समझ सकते हैं, अभक्त उसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए भक्त भगवान की सेवा करने में तत्पर रहते हैं और फिर सेवा में दुख आए के सुख आए उनको सब सुखी लगता है। इस भौतिक जगत में जो भगवान की सेवा होती है उसमें तो परोक्ष रूप से ज़्यादा दुखी दिखेगा होता हुआ, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो सेवा है वो क्या है, माया से लड़ाई है। पहला स्तर वो है ना सेवा का, तैयार होना, सेवा का स्तर पहले क्या है, सेवा के लिए तैयार होना, तब तो सेवा करेंगे। सेवा शुरू होती है रागानुगा भक्ति से वास्तव में, उससे पहले क्या है लड़ाई, उससे पहले क्या है तैयार होना।
तो तैयार होना मतलब माया से लड़ना, तो लड़ाई तो कभी सुखदायक नहीं होती है, माया से लड़ाई लड़ाई तो दुखदायक ही होती है। लेकिन वो दुख में सुख है क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा, आध्यात्मिक प्रगति, इसलिए वो सुख है। इसलिए भक्त के जीवन में जो संघर्ष होता है उससे उसको दुख नहीं होता है, वो जो माया से लड़ रहा है उससे उसको दुख नहीं होता है। ये भी एक भ्रांत धारणा है ना, कई बार लोग सोचते हैं भक्त लोग जब तक हम भक्त नहीं थे तब तक हमारा जीवन में संघर्ष कम था, जैसे ही भक्ति करनी शुरू की हमारे घर वाले अपने सब विरोधी हो गए, तो दुख तो बढ़ गया ये प्रभु जी। और भक्ति में हम तो सोचे थे भक्ति करेंगे तो सब सुख सुख आएगा, जैसे ही भक्ति शुरू की तो सब तरफ से अपोजिशन शुरू हो गया, है ना। तो वो समझे नहीं अभी भक्ति को, भक्ति मतलब पहला स्तर है लड़ाई। वो जो स्वजन या बाहर के लोग जो आपसे लड़ रहे हैं वो तो आपके अंदर का जो माइंड है ना उसके ही वो प्रतिबिंब है, उसी के प्रतीक हैं वो लोग। भगवान कृपा करके आपके मन के अंदर के अनर्थ इन रूपों में प्रकट कर रहे हैं, लड़ो अपने मन से। ये आपको मन को मैंने एक्सटर्नल प्रकट कर दिया आपको समझाने के लिए कि आपके मन में क्या क्या है, तो वो आपको भगवान हेल्प कर रहे हैं बाह्य रूप में उनको प्रकट करा करके। तो जब आप उनसे लड़ रहे हैं मतलब वो माइंड के अंदर सूक्ष्म रूप में वो सब चीज़ें भी हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं। जैसे संसार क्या बोलता है, भक्ति मत करो भक्ति मत करो, यही चीज़ तो हमारा मन भी बोलता है भक्ति मत करो भक्ति मत करो भक्ति मत करो, बी नॉर्मल बी नॉर्मल बी नॉर्मल, माइंड भी यही बोलता है बी नॉर्मल बी नॉर्मल बी नॉर्मल, करेक्ट। तो अगर आपको बाहर से कोई विरोधी तत्व दिखें तो आप समझ लो ये भगवान ने करुणा करके मेरे मन को बाहर प्रकट कर दिया अगर मैं इनसे लड़ूंगा मतलब सहन करूंगा, हम तो किसे लड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से वो हमसे लड़ेंगे, तो मतलब वो हमारा हमको मौका मिल रहा है समझने का कि हमारा मन हमारा शत्रु कैसे है। तो अगर हम उस युद्ध को जीतेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो इस तरह से भक्तों के जीवन में जो ये सब संघर्ष हैं अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से ये भगवान की योजना है भगवान की तरफ खींचने के लिए। एक और भी है, भक्तों के जीवन में कष्ट हमारी मूर्खता के कारण भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सब केवल भगवान की करुणा ही है। अगर हम भगवान के आदेश का पालन ना करके भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन पर ना चल के मनमाने ढंग से भक्ति करेंगे तो वो भगवान की परोक्ष रूप से करुणा है, वो क्या है वो तो सीधा चाटा ही चाटा है बस, मूर्ख ये किया तो परिणाम भुगतो, वो हमारे कर्म फल भी हो सकते हैं। देखिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम जानबूझ करके पाप करेंगे तो वो फिर पाप का दंड हमें वैसे ही मिलेगा जैसे कोई अभक्त पाप करता है। ऐसा नहीं है कि हम भक्त हो गए तो हमको लाइसेंस मिल गया है कि हम अभी कुछ भी कर सकते हैं, हम तो भगवान की शरण में हैं, सब भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, करेक्ट। ये एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर हम हमारे मन में अगर हम भक्त हैं तो हमारे अंदर पाप करने की वृत्ति होनी नहीं चाहिए, उसको भक्त कहते हैं। लेकिन अगर हम भक्त हैं और पाप भी कर रहे हैं इसका मतलब हम भक्त नहीं हैं, भक्ति नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर भगवान हमको बचाने आएंगे, हमको बचाने इन द सेंस भगवान हमारी भक्ति में मदद करेंगे या इवन भौतिक जगत में योगक्षेम हम वाहम्य हम, वो तभी है जब शरणागत है कोई, अन्यथा नहीं है। अन्यथा जैसा करोगे वैसे फल पाओगे, वो फिर परमात्मा की तरह से भगवान काम करेंगे, जैसा करो वैसा भरो, मेरी बात नहीं मानोगे पाप करोगे भरो, तो वो भी इस तरह है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो तो भगवान की कृपा है, इस तरह से वो हमारी मूर्खता भी हो सकती है हमारे पाप कर, तो वो भी है। तो इस तरह से हर चीज़ को सही तरह समझना है। हमारे अगर हम गंभीर हैं, अगर हम श्रद्धावान हैं, तो फिर भगवान व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में जो भी कष्ट सुख दुख आते हैं वो हमारे शुद्धि के लिए होता है, और वो केवल कर्मफल नहीं है, वो कर्मफल हैं लेकिन वो भगवान के द्वारा आयोजित हैं हमारी शुद्धि के लिए। और अगर कोई श्रद्धावान नहीं है समुचित रूप से तो वो उसकी मूर्खता और उसके पूर्व कर्मफल केवल उसके दंड के रूप में उसको मिल रहे हैं। उससे भी हम सीखते हैं कि इस भौतिक जगत में कर्म करने से हम कर्मफल में बनते हैं, ये शिक्षा भी हम उससे ले सकते हैं। तो ये कुछ विचार थे इस विषय में, यहाँ पर समाप्त करेंगे।
हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। जैसा आपने बताया कि अभक्त इस लीला को नहीं समझ सकते, हमें क्या ये प्रयास करना चाहिए उनको समझाने का जैसा आप हमें समझा रहे हैं, या उनकी स्थिति नहीं है तो हमें उनकी स्थिति के अनुरूप उनको समझाना चाहिए। वो जो समझ सकते हैं उस स्तर पे उनको समझाना चाहिए। वो ये लीला को नहीं समझ पाएंगे तो इसको समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि आप विचार करो कि दुख क्यों आता है, आप दुख नहीं चाहते ना, दुख क्यों आता है, इसका उपाय क्या है, ये स्तर पे उनको हम प्रचार करें। ये भी भगवान की लीला है, ये भी भगवान के कथन है भगवद गीता में। हाँ, भगवान क्या बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ज्ञान है, ये भी भगवान के वचन है ना। तो हम भगवान को ही समझा रहे हैं उनके स्तर का ज्ञान देकर, तो उस तरह से उनको हमें समझाना चाहिए। जैसे भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, तो सामान्य समाज में यह धारणा होती है कि अगर आपको जो स्वतंत्र दी गई है और उससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, तो सामान्य समाज में ये धारणा होती है कि जो भी आपको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है उससे आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर वहाँ तो भगवान से उनकी जो स्वतंत्रता इच्छा हमको दी है वो शक्तिशाली हो गई ऐसा, तो फिर भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हो गई। तो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति स्वराट नहीं है। चेतनस चेतनानाम नित्यो नित्यानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम भी चेतना युक्त हैं, भगवान भी चेतना युक्त हैं, हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, हम अनेक हैं, वो एक हैं, और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर निर्भर हैं। इसलिए इच्छा करने की स्वतंत्रता आपके पास है, पर उसकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी उसकी स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। तो आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं जीव, इसलिए जीव भगवान नहीं है। जन्मादियतः अन्वयद इतरतश्च स्वराट, स्वराट श्री कृष्ण हैं। स्वराट मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्वराट। लेकिन हम जो स्वतंत्रता हमारी है वो कृष्ण जैसी स्वतंत्र नहीं है, लेश मात्र स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति भगवान की अंततः आश्रय के अंतर्गत है, ना कि उसके बाहर है। तो वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि आप इच्छा कर सकते हैं कुछ, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम आश्रित भगवान पर। जैसे गाय है, उस गाय को आप खूंटे से बांध दीजिए तो उसकी एक रस्सी है, तो रस्सी जितनी उसकी परिधि है उस तक स्वतंत्रता गाय की है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है क्योंकि रस्सी से बंधी तो हुई है। तो उसी प्रकार से हर जीव स्वभाव से संवैधानिक रूप से अंकुश है, भगवान से बंधा हुआ है, भगवान के द्वारा बंधा हुआ है, इसलिए वो भगवान नहीं है, नहीं तो भगवान हो जाता, तो भगवान नहीं है ना। तो इसलिए लेकिन वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति आवश्यक है भगवान की सेवा करने के लिए, इसलिए वो सीमित स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। तो भगवान जो हैं छीनते क्या है, अनर्थ छीनते हैं अंततः। वो जो कोई भी हमें अगर पैसे के प्रति आसक्ति है तो भगवान पैसा छीनते हैं क्यों, उस आसक्ति को छीनने के लिए है ना। बाकी भगवान पैसा तो भगवान का ही था हमेशा, वो छीन के क्या छीनेंगे, वो तो उनका ही था हमेशा से है ना। लेकिन क्या छीनते हैं, वो आसक्ति छीनते हैं। तो बलि महाराज की जो आसक्ति थी कि मैं
स्वामी हूँ, ये मेरा, ये मुझे सुख प्रदान कर रहा है, ये जो आसक्ति है ये भगवान ने इसको छीन, है ना। और वो छीन करके फिर भगवान सब कुछ संसार देते हैं, क्योंकि अभी वो भगवान की सेवा में इसको लगाएंगे। अभी वो अनर्थ नहीं रह गया ना, वो अभी अर्थपूर्ण हो गया, क्योंकि अभी वो उसको भगवान की सेवा के परिप्रेक्ष्य में देख पा रहे हैं। तो फिर वो भगवान तो चाहते हैं सब धन संपत्ति लो और मेरी सेवा में लगाओ, समझ रहे हैं आप। तो भगवान कुछ छीनते हैं कुछ देते हैं सेवा के दृष्टिकोण से। अगर कोई भी चीज़ सेवा में रुकावट है तो छीनते हैं, चीज़ कोई भी सेवा में रुकावट नहीं होती है, रुकावट है हमारी अनर्थ, हमारी मिथ्या धारणा। तो भगवान उसको छीनने के लिए वो छीन, सही में। हम प्रेम सबको कैसे कर सकते हैं? यस, नहीं, आपने पहले वाला वाक्य नहीं सुना, आपने दूसरे वाला वाक्य केवल सुना। सबके लिए हमारे हृदय में समान प्रेम होना चाहिए। मैंने उससे पहले कहा सबके प्रति हमारा प्रेम होगा जब हमें कृष्ण में प्रेम होगा, तब नहीं तो किसी में प्रेम नहीं होगा, एक से भी नहीं होगा। बहुत को छोड़ो आप, एक से भी नहीं होगा, वो क्या होगा, केवल काम होगा। क्योंकि प्रेम का मतलब है जो दूसरी तरफ है, जिनके प्रति आपको प्रेम है, उनको ही केवल संतुष्ट करने की इच्छा होना, अनायास बिना किसी कारण के। वो कब संभव है? जब वो सामने व्यक्ति है वो ऐसे गुणों वाला होगा जो, और आपका उनके साथ ये संबंध है कि आप आकर्षित होते हैं अनायास उनके दिव्य गुणों, उनके अद्भुत गुणों से कारण आप उनकी सेवा करने के लिए आप उत्कंठित होते हैं, दैट्स इट। इसलिए उसका कोई कारण और नहीं है, उनका स्वभाव, उस व्यक्तित्व ही ऐसा है जो सेवा को खींचता है, तभी संभव है। और वो व्यक्ति एक ही है, श्री कृष्ण, वो और कोई नहीं है। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे गुणों से ओतप्रोत है जो अनायास जीव के सेवा को, सेवा भावना को आकर्षित करे। इसलिए कृष्ण सर्व आकर्षक है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के प्रति प्रेम कर सकते हैं, प्रेम कृष्ण से, हर जीव का कृष्ण के साथ वो स्वाभाविक संबंध है। अब जब हमें कृष्ण से संबंध, हमारा कृष्ण से यदि प्रेम है, तो कृष्ण से प्रेम होने का मतलब क्या है? हम हमेशा कृष्ण को ही संतुष्ट करना चाहते हैं। जिसमें कृष्ण का सुख है उसमें हमारा सुख है, इसी को प्रेम कहते हैं। तो कृष्ण का सुख किसमें है? कृष्ण से संबंधित जो कोई भी है वो सब सुखी हों, इसमें उनका सुख है, ठीक है। तो फिर हम क्या चाहेंगे कि कृष्ण से संबंधित जो भी कोई है हम उनकी सेवा कर सकें, उनको कृष्ण के नज़दीक ले आ सकें, या जो ऑलरेडी कृष्ण के नज़दीक हैं उनको हम प्रसन्न कर सकें, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है? जो उनसे संबंधित है उनकी प्रसन्नता में। तो इस तरह से हमारा प्रेम फिर सबके प्रति प्रवाहित होता है, ओवरफ्लो होता है एक्चुअली। प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, वो इतना 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 बढ़ता आता है, वो ओवरफ्लो होकर सारे संसार में फैल जाता है। तो उसको ओवरफ्लो होना पड़ेगा, तब वो सब तरफ फैलेगा, समझे आप। ओके, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।